दोस्तों, अक्सर हम जब रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो हमें तलाश रहती है नई स्पीसीज के, या जो लुप्त हो गई वो स्पीसीज मिले तो हमें खुशी होती है कि चलो बची रही। मतलब बहुत सारी स्पीसीज जो अब वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, मिलती नहीं है। इसमें से कल हमें एक रेस्क्यू हुआ उल्फस्नेक। ये सांपों की खासियत बहुत सारी है। ये सांपों की जो क्रीपिंग होती है, ये क्लाइंबिंग ऑन दीवार, दीवार के ऊपर आराम से चढ़ जाता है, ग्रिप बना लेता है, जैसे छिपकली बना लेती है ऐसे ये भी ग्रिप बना लेता है। और सीम टू सेम ये मिलता जुलता रहता है कॉमन करे, जो पूरे इंडिया का सबसे जहरीला सांप होता है, और ये बिल्कुल इसके अंदर जहर नहीं होता, ये हार्मलेस है, वो हार्मफुल सांप है। तो हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं कि ये कहीं कॉमन करे तो नहीं, क्योंकि हमें भी रेस्क्यू करने के बाद कई बार सोचना पड़ता है अगर गलती से भी हम उल्फ स्नेक को कॉमन करे को रेस्क्यू करें और वो कॉमन करे निकले तो हमारे लिए डेंजर हो सकता है। उल्फ स्नेक जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, 80 सेंटीमीटर तक होता है। आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं उसके गर्दन से, गर्दन के पीछे ऐसा मार्क बना रहता है, गर्दन है उसके पीछे यहाँ पे ऐसा मार्क बना रहता है जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये उल्फ स्नेक है। और जो कॉमन करे थे तो उसमें मार्किंग नहीं होती है। बाकी उसकी बॉडी जो होती है ब्राउन कलर की, और पट्टी जो होती है उसमें पीला पट्टी होती है, जो पूछ तक जाते थे खत्म हो जाती है, मतलब पूछ में आपको वो पट्टी देखने को नहीं मिलेगा। और ये ज्यादातर घर में पाए जाते हैं और काफी कम देखने को मिलते हैं, और रात के टाइम ज्यादा एक्टिव होते हैं। और ये सांप को हमें संरक्षण करना चाहिए।